जो मैं यूज करती हूँ, मुझे ये सीरम ज्यादा अच्छा लगता है। सो हियर वी गो दोस्तों, देखिए किस तरीके से इसकी खूबसूरती, और ये खेलने के भी लगा है। दोस्तों पेट गुरु में आप लोगों के लिए वादा किया था कि हम डॉग के वीडियो रेगुलर बेसिस पे लाएंगे, तो अब सिज़ू पे हमारा खास फोकस है, बिकॉज हमारे साथ जो कोलाब है वो स्विट्जरला केनल का है, ठीक है, जो सूरत के अंदर है, और गुजरात में मेरे ख्याल से इससे अच्छी केनल कोई नहीं है। तो आज का एपिसोड है फर्स्ट बाथ ऑफ पपी, तो बहुत सारे पपीज पहले देखेंगे और उसके बाद हम उसको बात देंगे, और क्या ख्याल रखना है क्या ख्याल नहीं रखना है वो सारी बात सपना शर्मा मैडम से हम करेंगे, और वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अपने पपी को पहला बात दे सकते हैं, या रेगुलर जो बाथिंग होती है वो कैसे देनी है, उसमें किन बातों का ख्याल रखना है। तो फटाफट की स्टाइल में चलिए दोस्तों आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। दोस्तों तो फटाफट की स्टाइल में हम पपीज पहले देखेंगे और उसमें से एक पपी को सिलेक्ट करके उसको हम फर्स्ट बाथ देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए ये सारे, और यहाँ पर दोस्तों है ऑस्ट्रेलिंग की सर्विस भी अवेलेबल है। ये मैम कितने दिन के होंगे पपीज? ये सर 45 डेज के हो चुके हैं, सभी बच्चे सेल्फ फीडिंग पे हैं। अच्छा, सेल्फ फीडिंग का 45 डेज के, इसमें से कुछ बच्चे बुक्ड हैं ऑलरेडी एंड वो जल्द से जल्द हमारे डिलीवर होने वाले हैं। वहाँ पे एक है वो आराम से प्यार से, और दोस्तों यहाँ पर कहना चाहेंगे कि कलकत्ता तक मैडम की डिमांड है, क्योंकि कलकत्ता का गली स्ट्रीट का वीडियो आप लोग हमारी चैनल पे देख सकते हैं। सोचिए वहां पर इतना बड़ा पेट मार्केट होने के बावजूद गुजरात के बर्ड और गुजरात की पेट की डिमांड है, तो गुजरात जो है वो हमेशा क्वालिटी में काम करने में मानता है। सो तो मैम कौन सा इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे? हम सिलेक्ट करेंगे ये करें, क्योंकि ये बच्चा कलकत्ता में बुक्ड है मेरा, ठीक है, एंड ये फीमेल है, वहाँ के क्लाइंट ने ये बुक किया है, एंड इसी के साथ इसे तो हमने कुछ दिन पहले बात दी है। हम सोच रहे हैं कि ये मेल अवेलेबल है बुकिंग के लिए, तो आज हम इसे बात देते हैं, फर्स्ट बात, ठीक है, यस। चलिए दोस्तों तो फटाफट की स्टाइल में एपिसोड शुरू करते हैं। पानी रेडी है, पानी में हम कितना गरम होना चाहिए, बहुत गरम या लुकवार्म, कितना? बहुत गरम नहीं होना चाहिए, ये हमने पहले शैम्पू में थोड़ा और लिक्विड कर लिया है, ठीक है, ताकि इजिली वो बॉडी में तो मैम इनके स्पेशल शैम्पूज वगैरह आते हैं वो यूज करें या फिर कोई भी यूज कर सकते हैं? देखिए कोई भी मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, कोई भी हर्बल ऐसा शैम्पू लीजिए जो इनके लिए हानिकारक ना हो, क्योंकि नहलाते समय थोड़े शैम्पू इसके नोज के पास भी जाएंगे, आईज के पास भी जाएंगे, तो हमारे बच्चों के लिए हम जिस तरह से बेस्ट शैम्पू सजेस्ट करते हैं कि भाई विदाउट केमिकल होना चाहिए, उसी लिए बच्चे को अगर स्टार्टिंग में हम 3-4 महीने के बच्चे को बात दे रहे हैं, मतलब ये अभी 45 डेज का है, इसे मैं नॉर्मल बात दे रही हूँ, एंड अब 3-4 महीने तक जब भी आप बात दो ऐसा शैम्पू से दो जो एटलीस्ट हर्बल हो, जिसमें ज़्यादा केमिकल ना हो, ठीक है। पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म है तो अब हम इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करेंगे, और तब तक हम इसे, और मैम चलते चलते पूछता हूँ कि जैसे गार्डन वगैरह में कुछ सावर देते हैं लोग, मस्ती करवाते हैं डॉग्स को, यस यस, तो वो दे सकते हैं, लेकिन वो क्या है, देखिए ये छोटी ब्रीड होती है, ठीक है, आप जब भी ऐसे फवारे डॉग्स को दो तो वो मुंह ऊपर करके डायरेक्ट फोर्स के साइड, जैसे इसका मुंह ऐसे हो, डायरेक्ट फोर्स जो पानी का आ रहा है वो उसे मुंह में लेते हैं, ठीक है, और उस टाइम में अगर नोज में पानी चला गया तो उसके लिए थोड़ा वो सही नहीं रहेगा। बड़े डॉग के लिए ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो स्मॉल ब्रीड होती है उनकी नोज छोटी होती है, अभी पग जैसी ब्रीड को के नोज में अगर पानी चला जाए तो उससे सांस लेने में तुरंत प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब एडवाइजेबल नहीं है, करना है तो थोड़ा पीठ की साइड या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर सकते हैं, यस यस, बैक साइड कीजिए वो चले, लेकिन डायरेक्ट जो हम फेस पे पानी डालते हैं ना फोर्स से, वो ना डाले। By the way, मैम इसका कुछ नाम रखा है आपने? नहीं अभी हमने कुछ भी नाम नहीं रखा है, ये तो क्लाइंट जब सजेस्ट करते हैं तब हम नाम रखते हैं, जैसे कि सर हमने पता है कि KCI पेपर हम अप्लाई करते हैं, yes, मेरे yes. सारे बच्चे KCI रजिस्टर्ड है, इसमें पानी डालते हैं, सारे के सारे बच्चे KCI रजिस्टर्ड है, तो मैं अभी ऐसा करती हूँ कि जब मेरे बच्चे बुक हो जाते हैं तब मैं क्लाइंट जो भी नाम सजेस्ट करते हैं ना तो मैं उस नाम से वो पेपर अप्लाई कर देती हूँ, लेकिन अगर अगर बच्चे बुक नहीं हुए हैं और अभी लेट है कि हाँ भाई अभी बुक नहीं हुए हैं और मेरी डेट हो गई है कि मुझे KCI पेपर अप्लाई करनी है, उसके हिसाब से फिर मैं खुद ही पेपर पेपर पे बच्चे का नाम दे देती हूँ, बट नाम नेम अगर मैं चेंज करना चाहूँ हो सकता है? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप जब KCI पेपर आ जाते हैं
तब पहले क्लाइंट को नेम ट्रांसफर करवाना पड़ता है, क्योंकि अभी जो पेपर मैं क्लाइंट को देती हूँ उसमें ब्रीडर नेम सपना शर्मा होता है, एंड मैं उनको एक ट्रांसफर फॉर्म भी देती हूँ जिसमें ये रहता है कि ये पहले मेरे नाम पे था, अब आपको मैं ट्रांसफर पेपर दे रही हूँ, इसको अब अपने नाम से करवा सकते हैं। दोस्तों केसीआई क्या होता है, कैसे चिप लगती है, सब कुछ हमने पिछली विजिट में वीडियो बनाया था। हर विजिट में हम कुछ नया टॉपिक कवर करेंगे ताकि आप लोगों का काम हो और आप ब्रीडर से रूबरू भी हो सके कि ब्रीडर को क्या नॉलेज है वगैरह, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों ये देखिए किस तरीके से नेला रहे, बहुत आंखों का और नथुनों का, मतलब के इनके नाक का आपको खास ध्यान बहुत ध्यान रखना है। और नहाने के बाद मैम फिर इसका क्या करेंगे हम? हम इसको ड्रायर करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम इसको थोड़ा सीरम लगाएंगे, कोम करेंगे, बहुत यहाँ पर चेहरे पे खास करके बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इसे बहुत कम क्वांटिटी फेस पे यूज कर रही हूँ, एंड मैंने जो शैम्पू लिया है वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। ठीक है, इसका पीएच लेवल भी हम चेक करते हैं कि भाई शैम्पू में कौन से पीएच लेवल है। बेटर है कि आपके जो डॉक्टर है उनसे आप सजेस्ट करो कि भाई कौन सा शैम्पू हम यूज करें छोटे पपीज के लिए। ठीक है, पानी जो है मैम और इसकी बॉडी पे डाल रहे हैं और बिल्कुल फ्लफी सा हो गया है, ये रेडी हो गया है और बस तैयार है, ये बात कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। वो काफी कम शैम्पू वाला है। तो दोस्तों ऐसे एपिसोड के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे वहां पे तेजी से पेट गुरु बढ़ रहा है, 3600 सब्सक्राइबर हमारे वहां पर हो चुके हैं। फेसबुक पे भी हम 3500 से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ हैं और एक उभरती हुई चैनल है गुजरात में, और यूट्यूब पे तो आप लोग पहले से ही अच्छू भाई को जानते हैं, तो हमें बाकी के दो प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर लीजिए, तो छोटी छोटी अपडेट क्विक अपडेट वहां पर आप लोगों को मिलती रहेगी। अब ये हो गया, और मैडम की भी स्विट्जरला कैनल करके दोस्तों यूट्यूब पर चैनल है, आप उनको भी फॉलो करिए तो आपको इनके पपीज से रिलेटेड खास अपडेट मिलती रहेगी। अब हम फेस का शैम्पू क्लीन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हाथ से, एकदम हल्के हाथों से, एकदम हल्के हाथों से, जो उस पे हमें पानी ज्यादा नहीं देना है, हमने कहा है नोज पे नहीं जाएगा तो नोज पे पानी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और जो हमने शैम्पू की है वो भी पूरी क्लीन हो जाएगी। देखिए अब हेयर देखिए, आप देख सक रहे हैं आप हेयर एकदम सिल्की हो गए हेयर। तो दोस्तों काफी केयर के साथ, बहुत एहतियात के साथ आपको ये करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा बच्चा रेडी है ना। चलिए अब हम इसे ड्राई करते हैं। ठीक है, और दोस्तों बाकी के वीडियोस देखना है तो हमने पिछली बार इनके टेम्परमेंट के बारे में, क्यों सिज़ू पपीज आपको लेना चाहिए क्या, वो सारी बातें की थी, तो आई बटन क्लिक करके पूरी मैं आपके लिए प्लेलिस्ट सिज़ू की बना दूंगा, और उसमें मोस्टली सारे वीडियोस मेम के ही है, तो आप जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। अब देखिए हल्के हाथों से इसको बिल्कुल ही रब कर रहे हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से। मैम वैसे पिछले वीडियो में बताया आपको कितने साल का वैसे एक्सपीरियंस है? मुझे टोटल अभी ये साल मिला के मुझे 14 इयर्स हो गए हैं डॉग लाइन में, एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। अब मैं चाह रही हूँ कि अब मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँ, ठीक है, अलग करूँ अब मैं। वैसे मैम दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ये बार पहला एपिसोड देख रहे हैं, मैम सिर्फ सिज़ू नहीं बहुत डॉग को ब्रीड करवा चुकी है, लेकिन अब वो सिज़ू स्पेशलिस्ट बन चुकी हैं पिछले 3 सालों से, इसलिए अब वो सिर्फ सिज़ू पे काम कर रहे हैं। बंद कर। इनके प्रोफेशनल ये क्या कहते हैं ड्रायर भी आते हैं, बट चूंकि मेरे पास सिज़ू ब्रीड है मुझे उतनी जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने अभी तक प्रोफेशनल ड्रायर नहीं लिया है, बट आगे आई होप कि मैं ग्रूमिंग का पूरा सेटअप रेडी करूँ। दोस्तों एक और एपिसोड के बारे में बात करेंगे, यहाँ से ही पप्पी ले जाने वाले और केनल पे रख जाने वाले का भी हमने इंटरव्यू लिया है,
तो वो आप पिछला एपिसोड देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा कस्टमर रिव्यू भी मिल जाएगा। ये सूरत में कहाँ पर है मैम? सूरत वेलेंजा शेखपुर गांव। ठीक है, या अभी हमने इसे सेमी ड्राई किया है। आप कोई भी सीरम सेलेक्ट कर सकते हैं, डॉग के भी बहुत सारे सीरम आते हैं, बट मुझे ये जो मैं यूज करती हूँ, मुझे ये सीरम ज्यादा अच्छा लगता है। एंड बस बहुत हल्के हाथों से थोड़ा सा सीरम आपको पूरे बॉडी पे, बैक साइड इस तरह से कीजिए, हल्के हाथों से फेस पे कीजिए। अब हमने सीरम कर दिया है, अब हम वापस से इसे ड्राई करेंगे। इसकी साइज के बारे में भी दोस्तों हमने बहुत सारी बातें पिछले एपिसोड में की, स्मॉल साइज, मीडियम साइज के भी लोग आते हैं इसमें, वो सारी साइज के भी रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों एक दो बार आप अगर सुपरविजन में किसी से करेंगे तो फिर आप सीख सकते हैं इसको। और मैम जैसे लोग ग्रूमिंग करवाते हैं, पूरा प्रॉपर ग्रूमिंग जो है, वो इनको कितनी बार जरूरत रहती है साल में या महीने में? देखिए मंथली भी करवा सकते हैं, क्योंकि सिज्जू एक लॉन्ग हेयर की ब्रीड है, इनके हेयर काफी लॉन्ग होते हैं, तो लॉन्ग हेयर में मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। यस, अगर आप चाहे तो वो मेंटेनेंस आप थोड़ा खुद पे भी खुद घर पे भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। बाहर में अगर हम एक ग्रूमर के पास जाकर के शॉप में अगर हम ग्रूमिंग करवाते हैं तो अप्रोक्स चार्ज वो 1000 मिनिमम, एंड मैक्सिमम तो मुझे आइडिया नहीं है वो कितना, 4000 भी होता है, होता है ये 3000 तक भी होता है। तो अगर ये छोटी ग्रूमिंग, जैसे इनको बात करना हो, इनको कोम करना है, ठीक है, ये जो ग्रूमिंग का प्रोसेस है ये आप अगर घर पे सीख लो तो आपको बहुत रिजनेबल पड़ती है। मैं थोड़ा सा प्रोसेस इनके हेयर कटिंग का भी बताऊंगी। मैंने अभी तक कभी अपने डॉग को बाहर ग्रूम नहीं किया है, मैं घर पे ही करती हूँ, एंड टचवुड अभी तक मैंने कहीं पे कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं ली है ग्रूमिंग की, बट चूंकि मेरे पास इतने बच्चे हैं तो मैं खुद ही घर पे ही मैंने इनको करते करते ही सब सीखा है। दोस्तों आपको मैं फोटोज दिखा रहा हूँ, मैम ने मेरे साथ शेयर किए थे, ये मैम के कुछ पपीज या आप डॉग देख रहे हैं वो काफी खूबसूरत है। तो हमने अनाउंस किया था कि हम वीडियो आने वाले हैं, तो वीडियो आ चुके हैं। तो ऐसे कुछ ग्रूमिंग के बाद आपको पपीज इतने क्वालिटी वाले दिखेंगे, और आप देखिए ये कैसे दिख रहा था और अब कितना खूबसूरत दिख रहा है अपने फर्स्ट बात के साथ। अभी अभी और भी खूबसूरत दिखेगा जब मैं इसे पूरा ड्राई कर दूंगी तो। एंड ये कॉम बहुत जरूरी है, ये कॉम हर किसी को लेनी चाहिए, अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है। ऐसे आप शॉप से लेने जाओगे तो 300 to 500, बट अब अगर अमेजोन से लोगे तो 200-214 रुपीस में ये आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर प्लास्टिक की निब भी लगी हुई है ना? यस, ये एक्चुअली क्या है, अगर इसमें जैसे हमने हेयर किया और अंदर हेयर फंस गए तो हम सिर्फ इस तरह से करते हैं और इस तरह से क्लीन कर देते हैं, ब्रश हमारी पूरी क्लीन हो जाती है। परफेक्ट दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज, बहुत कन्वीनियंट दोस्तों। आपको ये इसका भी आपको रिव्यू मिल गया साथ साथ में, मैं हो सका तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अमेजोन की, तो आप जाकर वहां से ले सकते हैं। शीवर कर रहा है बट इज ओके, इसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, कुछ नहीं, बस फर्स्ट बाथ हुआ है तो फर्स्ट बाथ में पपी थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। जब आप अपने बच्चे को इस तरह से बाथ दो तो उसे सॉफ्ट मतलब कपड़े में, इस तरह के कपड़े में दे करके उसे आराम से सुला दो, करीबन 2-3 घंटे तक आराम से सोएगा। ओके। हाँ जी, और घबराने की बात नहीं है ना, ऐसा कुछ मतलब कुछ नहीं, अभी मैं थोड़ी देर इसे इसके साथ खेलूंगी, ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सो हियर वी गो दोस्तों, देखिए किस तरीके से इसकी खूबसूरती, और ये खेलने के भी लगा है, अराउंड 45 डेज का है, राइट? यस यस, 45 डेज का है। ठीक है, एंड बुकिंग के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते चलते सपना मैम के नंबर लेते हैं और आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो सपना मैम चलते चलते आप अपना नंबर दे दीजिए। हाँ जी, 7777-93-1113। एंड फिर से कहना चाहूंगी कि मेरा नॉर्मल कॉल अगर नहीं लग रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग कीजिए। दोस्तों मेरा भी सुबह नॉर्मल कॉल नहीं लग रहा था, बिकॉज थोड़ा सा रिमोट लोकेशन है,
खेतों के बीच में ये पूरी सोसाइटी बनी हुई है, जहां पर शायद टावर की कमी की वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो आई होप आप लोगों को ये इसका पहला बात अच्छा लगा होगा। आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं कमेंट जरूर करिएगा, और आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा इसी पपी की तरह का ब्रेक।